गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल. टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 एंड द चैप्टर नेम इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स. स्टेट ट्रू फॉर टी एंड फॉल्स फॉर एफ. फर्स्ट इज केयरलेसनेस प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. केयरलेसनेस होती है बेटा, इट मीन्स लापरवाही. क्या है? लापरवाही प्रिवेंट्स करती है एक्सीडेंट्स को. फॉल्स इट मीन्स एफ. सेकंड, वी शुड वियर नायलॉन क्लोथ्स इन द किचन. क्या हमें नायलॉन इट मीन्स जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वही डालने चाहिए कहाँ पे? हमारे किचन में. इट्स क्या है? रॉन्ग. इट मीन्स क्या आएगा? फॉल्स. बिकॉज वी शुड ओनली वियर कॉटन क्लॉथ्स इन आवर किचन आल्सो इफ वी फायर एनी क्रैकर्स. थर्ड, वी शुड स्विच एन इलेक्ट्रिक स्विचेस इन केस ऑफ ए गैस लीकेज. क्या है? जब भी कोई गैस लीकेज हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो इलेक्ट्रिक जो स्विचेज है उनको क्या है, ओपन कर देना चाहिए, उनको ऑन कर देना चाहिए. नहीं, इट्स रॉन्ग. इट मीन्स फॉल्स. तो क्या करना चाहिए हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपन द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ अवर होम एंड ऑल्सो कॉल टू द पेरेंट्स एंड मैकेनिक्स. फोर्थ वन, ए फ्रैक्चर्ड पार्ट शुड नॉट बी मूव्ड. इट मीन जहाँ पे भी आपकी जो बोन्स वगैरह है किसी में कोई क्रैक वगैरह आया तो आपको क्या करना चाहिए? उस पार्ट को शुड नॉट बी मूव्ड. आपको उसको मूव नहीं करवाना चाहिए. येट्स इट्स ट्रू. इट मीन्स टी. फिफ्थ वन, ए बर्न शुड बी ट्रीटेड विद वॉर्म वाटर. बर्न होता है बेटा, इट मीन्स जल जाना. फॉर एग्जाम्पल आपके हैंड फिगर लेग्स पे कहीं भी बर्न हो जाए जल जाए तो शुड बी ट्रीटेड विद वॉर्म वाटर. वॉर्म होता है गर्म, उसको गर्म पानी से आपको ट्रीट करना चाहिए. नहीं, इट मीन्स फॉल्स. आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉश प्रॉपरली विथ कोल्ड वाटर एंड ऑल्सो अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक दैट सेवलॉन डिटॉल. ओके, नेक्स्ट वन इज सिक्स एंड द लास्ट वन. द क्रैक प्लास्टिक कवर ऑफ ए वायर नीड्स नॉट टू बी रिप्लेस. कोई प्लास्टिक वायर्स है बेटा, उसके अंदर कोई क्रैक आ जाए तो उस वायर के अंदर क्या आपको नीड नहीं उसको रिप्लेस करवाने की? नीड क्या? नीड नहीं है. नीड है हमें उसे रिप्लेस करवाने की. इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स. ठीक है, जब भी कोई क्या होता है क्रैक वगैरह आ जाता है किसी प्लास्टिक वायर में तो क्या होता है, नीड होती है उसको रिप्लेस करना. ठीक है, रिप्लेस इट मीन्स उसको चेंज करना, उसको बदलना. नाउ वी मूव करते हैं बी पार्ट की ओर. फिल द ब्लैंक्स. आपको क्या करना? फिल द ब्लैंक्स, फिल करना है ब्लैंक्स को. डैश लीड्स टू मिस एक्सीडेंट्स. क्या लीड्स करता है एक्सीडेंट को? मिस्टेक. क्या? मिस्टेक. क्या? हमारी गलतियां. सेकंड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. आपको सभी को पता है बेटा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. थर्ड वन, नेवर टच इलेक्ट्रिक गैजेट विद डैश हैंड. कभी भी हमें टच नहीं करना चाहिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं. कैसे? डैश हैंड इट मीन्स वेट हैंड. इट मीन्स हमें अपने गीले हाथों से उनको टच नहीं करना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए. फोर्थ वन, डैश इज लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट. क्या होते हैं? डैश इज लाइटर. जो क्या है? हमारे वाटर से लाइटर होते, हल्की होती हैं. कौन है वो? केरोसिन. आपके जो ऑयल्स वगैरह भी क्या आते हैं इसी में आएंगे. इट मीन्स केरोसिन इज लाइटर देन वाटर. फिफ्थ वन, नेवर यूज डैश टू पुट एन इलेक्ट्रिकल वायर. आपको क्या पुट नहीं करना चाहिए? पुट ऑफ डैश टू पुट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर. जब भी कोई इलेक्ट्रिक फायर हो जाती है तो क्या पुट नहीं करना चाहिए आपको? वाटर. क्योंकि अगर आप इन केस ऑफ आप वाटर डालते हो तो क्या हो जाता है, आपको शॉक भी लग सकता है. ओके, नाउ लास्ट एंड द सिक्स्थ वन,
इन केस ऑफ ए डैश ओपन द डोर्स एंड द विंडोज इमीडिएटली. बेटा देखो, हमें ऊपर है ना टू फॉल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं. इन केस ऑफ डैश इट मीन्स इन केस ऑफ लीकेज ओपन द डोर्स एंड द विंडोज इमीडिएटली. विंडोज होता है हमारी खिड़कियाँ और डोर्स होता है हमारे दरवाजे. उनको क्या है इमीडिएटली एकदम से हमें क्या करना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए, उनको खोल देना चाहिए. ठीक है, तो आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज की चैप्टर 6 एंड द चैप्टर नेम इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. आपको क्या करना है, अच्छे से फिलअप करना है इन योर बुक के अंदर. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एनी डाउट एंड देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.